अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एमएस एक्सेल में कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है। प्रोजेक्ट प्लान जो होता है वो एमएस एक्सेल में किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए प्रोजेक्ट की प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो कि उसकी एग्जीक्यूशन में हेल्प आउट करती है। प्रोजेक्ट प्लान क्या है जी? अ प्रोजेक्ट प्लान इज़ अ कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, डिलीवरेबल्स, टास्क, टाइमलाइन, रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट प्लान जो होता है वो एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जो कि आपको उस प्रोजेक्ट प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को, स्कोप को, उसकी जो डिलीवरेबल डेट्स हैं उसको, और उसके टास्क की कम्प्लीशन को, और उसके टास्क की टाइमलाइन को, और अवेलेबल रिसोर्सेज को, और उन रिसोर्सेज के साथ जो अवेलेबल पोटेंशियल जो पोटेंशियल रिस्क एसोसिएट होते हैं उनके बारे में बताता है। इट सर्व्स एज अ रोड मैप दैट गाइड्स द प्रोजेक्ट टीम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट्स लाइफ साइकिल। जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तो प्रोजेक्ट प्लान जो होता है वो आपको एक रोड मैप देता है, आपको गाइडलाइन देता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीशन में हेल्प आउट लेते हैं उसे। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज है, उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट प्लान को कैसे डिफाइन किया है कि प्रोजेक्ट प्लान इज अ फॉर्मल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट यूज्ड टू गाइड बोथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल। प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए और प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये एक फॉर्मल और अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होता है, जो कि टीम मेंबर्स को हेल्प आउट करता है उसकी एग्जीक्यूशन में और उसको कंट्रोल करने में। अब प्रोजेक्ट प्लान जो है वो कौन कौन सी चीज़ों के आंसर लाजमी दे, मतलब कि उस प्रोजेक्ट प्लान में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहला है क्वेश्चन व्हाट। व्हाट का क्या मतलब है? प्रोजेक्ट प्लान में व्हाट क्या काम करता है? व्हाट आर द मेजर डिलीवरेबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। आपको जो व्हाट है वो इस चीज़ का बताता है कि इसकी जो डिलीवरेबल्स हैं वो क्या क्या हैं। अब डिलीवरेबल्स में क्या हो सकता है कि प्रोजेक्ट जो है उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिलीवर करनी है और कब डिलीवर करनी है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये व्हाट आपको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है हाउ। हाउ आर वी एक्सपेक्टिंग टू गेट आवर डिलीवरेबल्स विद इन देयर डिजायर्ड टाइम। जो डिलीवरेबल्स हैं हम उनको डिजायर्ड टाइम में किस तरीके से जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको जो टाइम है या टाइमलाइन है उस प्रोजेक्ट के टास्क को किस तरीके से। थर्ड इज हु। हु क्या बताता है? जो हु विल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हु जो है हमें ये बताता है कि जो आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं उसमें जो आपकी टीम है जो इस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करेगी, जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, उसमें वो कौन कौन से जो टीम मेंबर्स हैं आपके साथ इन्वॉल्व हैं और किस टीम मेंबर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेन When will be the project start and when it is expected to complete? When ये बताता है कि आपके project की start date क्या है और when it is expected to complete और ये कब complete हो सकता है। अब हम देखते हैं कि गैंट चार्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। गैंट चार्ट जो है उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये एक डाटा सेट मौजूद है जिसमें हमारे पास डिफरेंट थ्री टास्क हैं और थ्री टास्क में भी सब टास्क जो हैं मौजूद हैं। जैसा कि टास्क में टास्क वन है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, टास्क टू है 2.1, 2.2, 2.3, टास्क थ्री इज 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 एंड द स्टार्ट डेट ऑफ दैट टास्क इज, टास्क वन इज 1 जैन, 1.1 3 जैन, 1.2 इज 5 जैन, जैन मीन्स जनवरी, 1.3 टास्क जो है वो 7 जैन है। इसी तरीके से रिस्पेक्टिव टास्क जो हैं उनकी जो स्टार्ट डेट है वो आगे लिख ली है। टेन्योर जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स हैं इसमें लिखे हुए, कितने मंथ्स में ये डेट, कितने मंथ्स में ये टास्क जो है वो कंप्लीट होगा, ये इनके टेन्योर में, ये इसमें नंबर ऑफ मंथ्स हैं टू कंप्लीट दैट टास्क। अब हमने इस टास्क से रिलेटेड जो है हमारा जो गैंट चार्ट है क्रिएट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, आपने पहले स्टार्ट डेट को कॉलम को सिलेक्ट करना है। करने के बाद इंसर्ट टूल बार मेन्यू में चार टूल बार ग्रुप में आपने जो ये थ्री कलर्स जो बार्स आपको नजर आ रही है इस पर क्लिक करना है, तो आपके पास 2D बार जो होंगे उसमें आपने सेकेंड जो है स्टैक्ड बार इस पर क्लिक करना है और आपका स्टैक्ड बार जो है यहाँ पे शो होगा। अभी हमने सिर्फ स्टार्ट डेट दी है ये स्टार्ट डेट वाले कॉलम से। अब हम वाई एक्सिस पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास लेजेंड एंट्रीज हैं और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, एक्सिस लेबल्स हैं।
अब हमने यहाँ पे डाटा एंट्री करनी है तो ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देंगे सीरीज नेम, वो हो जाएगी टेन्योर, और यहाँ पे सीरीज वैल्यू जो है वो है हमारे पास, इस पे हम एरो साइन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास सीरीज डेट हो जाएगी। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज जो है ये लेजेंड्स में ये जो ऑरेंज कलर वाले जो बार्स हैं वो हमें शो हो रहे हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है ये वाली, इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे और एक्सेस लेबल पे जाके हम उसको ये टास्क वाला जो कॉलम है इसकी एंट्रीज क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये टास्क जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास टास्क 1 to up to 7 आप ऊपर तक जा रहे हैं और ये स्टार्ट डेट है हमारी 5 से 13 February तक जा रही है। अब एक ब्लू बार पे क्लिक करें तो आपकी ये सारे जो ब्लू बार्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज पे जाएं, फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पे कर दें नो फिल। जब आप नो फिल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा जो है वो वैनिश्ड और मतलब विदाउट कलर नजर आएगा। चार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वैनिश हो गया है, आपका जो बार्स थी वो गायब हो गई। अब आपके पास ये गैंट चार्ट जो है क्रिएट हो गया है। अब ये गैंट चार्ट जो है क्रिएट हो गया है, अब हम इसकी करते हैं सेटिंग। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि हमारे पास जैसे टास्क 1 to up to 7 डाउनवर्ड पोजीशन में है, इसी तरीके से मैं गैंट चार्ट में भी ये चाहता हूं तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एक्सेस पे जाते हैं। फॉर्मेट एक्सेस के बाद आप जब ये थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पे लिखा होगा कैटेगराइज इन रिवर्स ऑर्डर, इस पे क्लिक करें तो आपका रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। पहले हमारे पास ये टास्क 1 नीचे शो हो रहा था, अब ये टास्क 1 ऊपर शो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये यहां से जो है 5 December से स्टार्ट हो रहा है, बट हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो चार्ट है यहां से नहीं, ये बार जो है टास्क 1 के फौरी नेक्स्ट से हमारा बार जो शो होनी चाहिए इसके। तो उसके लिए क्या करना है, आपने कॉलम्स में जो स्टार्ट डेट में फर्स्ट डेट है इसको कॉपी करना है और इसी कॉलम में जहां तक आपका डाटा सेट मौजूद है उसके नीचे कहीं भी इसको पेस्ट कर दें, कर दी पेस्ट। उसके बाद इसको कस्टम पे नंबर पे आप क्लिक करें तो आपके पास ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 January से आपके पास किसी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको करें कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये जो ऊपर डेट्स हैं इसको क्लिक करके राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट एक्सेस पे क्लिक करें और यहाँ जो बाउंड्स में एक्सेस ऑप्शन में बाउंड्स में मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे जो वैल्यू आपने कॉपी की है इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दें। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डाटा जो है हमारा सेट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा और हमारी बार जो है हमारी टास्क 1 से फौरी नेक्स्ट जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये अब हमारा गैंट चार्ट जो है एग्जैक्टली क्रिएट हो गया है। हम अपने गैंट चार्ट की ज्यादा खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए हम ये जो बार्स हैं इनको डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सिंगल बार पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऊपर फिल का ऑप्शन आ रहा है, फिल पे क्लिक करके आप इसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप फिल की ऑप्शन पे अपना जो डिजायर्ड कलर है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है आपका बार्स में, आप उनकी जो बार्स हैं उसके कलर्स जो हैं आप चेंज कर सकते हैं। पहले जो था वो सिंपल गैंट चार्ट था, अब ये कलर्स की वजह से ये डिफरेंट कलर्स जो अब शो हो रहे हैं इससे प्रेजेंटेशन जो है वो और खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो जाएगी। ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से आप गैंट चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसको एडिट करके उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और उसके डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डाटा ऐड कर सकते हैं, डाटा रिमूव कर सकते हैं और उसको डाटा को मैनिपुलेट करके गैंट चार्ट को एडिट कर सकते हैं।